बेटियों के लिए समाज की सोच धीरे धीरे बदल रही है। आज बेटियां अलग अलग क्षेत्र में अपना नाम कमा रही है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें अभिशाप माना जाता था। बेटियों को बोझ समझना और कई जगहों पर बेटियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। 1960 में राजस्थान के अजमेर जिले के कोटोडा गांव में जन्मी गुलाबो सपेरा के साथ भी ऐसा ही हुआ। गुलाबो ने टीवी के पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 5 में हिस्सा लिया था, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़ी कई बातों का जिक्र किया था। गुलाबो राजस्थान की फेमस कालबेलिया डांसर है। अपने लोक नृत्य से गुलाबो ने देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई है। उन्हें ईयर 2016 में पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा जा चुका है, लेकिन इन सब के पीछे है गुलाबो और उनके परिवार का कड़ा संघर्ष। दरअसल जब गुलाबो का जन्म हुआ तो उनके पिता घर से दूर थे। उनके रिश्तेदारों ने जब देखा कि बेटी जन्मी है तो उन्होंने गुलाबो को जिंदा जमीन में दफना दिया। जब उनकी माँ को होश आया तो उन्हें पता चला कि बेटी को दफना दिया गया है। उन्होंने रोते रोते लोगों से भीख मांगी कि मुझे जगह बता दो, कहाँ गाड़ा है, मैं निकल ले आऊंगी। किसी ने उन्हें कुछ नहीं बताया, लेकिन गुलाबो के मौसी को पता था। उन्होंने कहा कि रात को लेकर आएंगे। इसके बाद दोनों ने रात को 12 बजे जमीन से गुलाबो को निकाला। उनकी सांसें चल रही थी। इसके बाद न सिर्फ गुलाबो को नया जीवनदान मिला, बल्कि उन्होंने कई लड़कियों की जिंदगी बचाई। गुलाबो के पिता सांपों को नचाने का काम करते थे। जब गुलाबो बड़ी हुई तो वह अपने पिता के साथ जाने लगी और बीन की धुन पर नाचने लगी। धीरे धीरे उनका यह डांस प्रचलित हो गया। जब वह 17 ईयर्स की थी तो उन्हें फेस्टिवल ऑफ इंडिया प्रोग्राम में परफॉर्म करने का मौका मिला। यह आयोजन वाशिंगटन में हुआ था। इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी शामिल हुए थे। इसके जरिए गुलाबो ने अपने डांस के जरिए पूरी दुनिया में कालबेलिया डांस का परिचय कराया। गुलाबो की प्रसिद्धि देख उनके समाज के लोगों ने लड़कियों को मारना बंद कर दिया। गुलाबो ने कहा कि यही उनकी सबसे बड़ी जीत है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि गुलाबो का असली नाम धन्वंतरी है, लेकिन गुलाबो के नाम के पीछे उनके पिता का बेशुमार प्यार छिपा है। बचपन में वह बहुत गोरी थी और उनके गाल एकदम गुलाबी, ऐसे में उनके पिता ने उनका नाम गुलाबो रख दिया। गुलाबो ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके समुदाय में सरनेम नहीं हुआ करते थे, ऐसे में उनके डांस के कारण उनका सरनेम सपेरा पड़ गया। आज ये डांस देश भर में काफी पॉपुलर है। लोग इस डांस को देखने के लिए राजस्थान घूमने के लिए जाते हैं। विदेशी भी इस डांस से काफी प्रभावित होते हैं। गुलाबो सपेरा ने बिग बॉस 5 में भी अपने डांस को दुनिया के सामने रखा। इसके बाद फिल्म डायरेक्टर जेपी दत्ता ने उन्हें अपनी फिल्मों में डांस करने का मौका दिया। गुलाबो सपेरा ने गुलामी और बंटवारा जैसी हिट फिल्मों में डांस किया। उनके डांस को काफी पसंद किया गया। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।